डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अर्चना, विभाग अध्यक्ष एवं प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग विभाग रघुनाथ गर्ल्स पीजी कॉलेज मेरठ। मेरे भारतीय कला दर्शन को लेकर बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे भारतीय कला के षडांग यानी सिक्स लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग, जिन्हें हम भारतीय कला के छः अंग नाम से संबोधित करते हैं। और ये सभी अंग चित्रकला के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि किसी विद्यार्थी या कलाकार को इन छह अंगों का ज्ञान नहीं है तो उसकी कलाकृति ना तो सुंदर बनेगी ना रसमय बनेगी। इसके विपरीत यदि आपको भारतीय कला के इन छह अंगों का ज्ञान है तो आपकी कलाकृति निश्चय ही रसात्मक बनेगी, चित्र अट्रैक्टिव बनेगा। अतः इसका ज्ञान विद्यार्थियों और कलाकारों दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी, जैसे TGT, PGT, NET और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं जिनकी तैयारी करते हैं, तो उन सब में इस विषय को लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, और मेरा मानना है कि वीडियो को बार बार देखना चाहिए। इससे देखकर समझने में आसानी होती है, साथ ही संबंधित लिटरेचर जो है आपको लाइब्रेरी में भी देखना चाहिए पुस्तकों के माध्यम से, जिससे विषय में आपकी प्रगाढ़ता हो जाएगी। तो हम आज चर्चा करेंगे भारतीय कला के छह अंगों पर। प्रश्न उठता है कि भारतीय कला के ये छह अंग हमारे पास आए कहाँ से हैं, इनका जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। कामसूत्र में 64 कलाओं का अंकन है, जिसमें जिन्हें वात्स्यायन द्वारा लिखा गया है, जिसमें चौथे नंबर की जो कला है उसे आलेख्य नाम से वर्णित किया गया है। और कामसूत्र की तीसरी अध्याय की टीका जयपुर निवासी यशोधर पंडित जी ने लिखी थी, तो वही पाठ हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। वस्तुतः हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में शिल्प शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक अर्थों में हुआ है। आज के शब्द चित्र के लिए पहले आलेख्य शब्द का प्रचलन था। आलेख्य के जिन छह अंगों का प्रयोग वात्स्यायन की कामसूत्र की टीका में यशोधर पंडित ने किया, उन्हें चित्र षडंग के नाम से प्रसिद्धि मिली। और ये जो चित्र षडंग हैं, ये हमारे चित्र पर, मूर्तिकला पर और अर्धचित्र यानी कि रिलीफ पेंटिंग, जिन्हें हम चित्राभास भी कहते हैं, तीनों पर लागू होते हैं। और ये जो आपको सामने श्लोक दिखाई दे रहा है, ये चित्र षडंग को शीर्षक प्रदान करता है। श्लोक है, रूप भेदा प्रमाणानि लाभ भावण योजनम सादृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। इसी श्लोक के अंदर चित्रकला के छह अंग का वर्णन है। सबसे पहला अंग है रूप भेद, दूसरा प्रमाण, तीसरा भाव, चौथा लावण्य योजना, पांचवा सादृश्य और अंतिम वर्णिका भंग। इस प्रकार चित्र के ये छह अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं, चित्र के प्राण होते हैं। चित्र के छह अंगों को कहकर यशोधर पंडित ने यह स्पष्ट किया है कि ये सभी अंग अलग अलग होकर भी, क्योंकि यशोधर पंडित ने सबकी अलग अलग चर्चा की है कि, लेकिन ये सब अलग अलग होकर भी एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे ही मिले हुए हैं जैसे शरीर के विभिन्न अंग। हम आज सबसे पहले चर्चा करेंगे रूप भेद पर, जो इसका पहला अंग है। कलाकार के चित्रभूमि पर अंकन प्रारंभ करते ही रूप का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। रूप सृजन के साथ ही चित्रभूमि सक्रिय हो उठती है। रूप वह क्षेत्र या स्थान है जिसका निश्चित आकार होता है या वर्ण होता है। साधारणतया वस्तु की आकृति को हम रूप कहते हैं, इंग्लिश में इसे फॉर्म कहते हैं। लेकिन कोई भी रूप जब तक फॉर्म नहीं कहलाएगा जब तक उसमें अर्थ का संचार ना हो जाए, क्योंकि बिना अर्थ के रूप का कोई महत्व नहीं होता। साथ ही उसमें तीनों अवस्थाएं कायिक, वाचिक और मानसिक सन्निहित ना हो जाएं। अतः वस्तु का वस्तु से, मानव का मानव से विभिन्न परिस्थितियों एवं मन स्थितियों में भेद उत्पन्न हो जाता है।
इसी से चाक्षुक रूप और मानस रूप में अंतर होता है और इन्हीं दोनों के योग से रूप की वास्तविक अभिव्यंजना होती है। रूप की विभिन्नता ही रूप भेद है। ऋग्वेद में कहा भी गया है, रूपम रूपम प्रतिरूपो वा भू, अर्थात विश्व में रूपों की जितनी विविधता है वह किसी एक मूल रूप का प्रतिरूप है। रचनाकार के मन में रूपों का अपार संचार होता है, उनमें से वह किसी एक रूप को अंकित करके उस समय जो उसके मन में अभिव्यक्ति है उससे प्रकट कर देता है अपनी कलाकृति के माध्यम से, और शेष जो रूप है वो लुप्त हो जाता है। अगर हम देखें, स्क्रीन पर भी देखें कि अजंता हमारी भारतीय कला की स्वर्णयुग कहलाता है, गुप्त काल की कला है, 4th century की कला है, जिसमें बहुत सुंदर कलाकृतियाँ और मूर्ति शिल्प बने। तो अजंता का माता पुत्र का चित्र और पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र जो है रूप भेद का सार्थक उदाहरण कहलाता है। इसके अतिरिक्त मुगल काल के व्यक्ति चित्र, जिन्हें हम शभी चित्र के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान के राधा माधव के चित्र सभी रूप के भेद को प्रकट करते हैं। ये आपके सामने चित्र प्रस्तुत है कांगड़ा शैली का, होली खेलते हुए बीच में राधा हैं, इधर उधर उनकी सखियां हैं। तो रूप भेद का कितना सुंदर उदाहरण यह चित्र प्रस्तुत कर रहा है। इसके अतिरिक्त हमारा एक शास्त्र है महाभारत, जिसमें उषा की सखी चित्रलेखा ने स्वप्न में देखे हुए अपने प्रिय का, स्वप्न दृष्टा का हूबहू चित्र बना दिया था, जिससे पता चलता है कि चित्रलेखा रूप भेद अर्थात रूप का निर्माण करने में पारंगत थी। हमारा चित्र षडंग का दूसरा भाग है प्रमाण। प्रमाण को संबद्धता का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ रिलेशनशिप भी कहा जाता है। प्रमाण के द्वारा हम वस्तु की बनावट का अनुमान करते हैं, उसकी नाप झोक समझते हैं तथा दूरी का ज्ञान हासिल करते हैं। आचार्य अवनिंद्रनाथ टैगोर ने प्रमाण को हमारे प्रामात्री चैतन्य द्वारा प्राप्त, यानी कि हमारे एस्थेटिक सेंस या हमारा सेंसेस द्वारा प्राप्त, ऊंचे नीचे, दूर पास, काला सफेद, जल स्थल आदि के भेद को बताया है, जिससे हमें पहचान होती है कि अमुक चीज आगे है, पीछे है, दूर है, पास है, ऊंची है, नीची है। अतः चित्र के सभी तत्व जिनका संबंध विषय वस्तु से पहचान कराने या विषय का मानसिक ज्ञान कराने से है, प्रमाण कहलाते हैं। इस प्रकार चित्र में प्रमाण का अर्थ होता है अनुपात, प्रपोर्शन। उदाहरण के लिए एक ऋषि गण का अगर हम चित्र देखें या हम ऋषि गण की कल्पना करें, तो हम उसको जटाजूट धारण, मृग चर्म, उसकी तेजस्विता, तिलक आदि से उसकी पहचान करते हैं। और यदि कोई कलाकार रात्रि का चित्रण करता है तो वह अपने चित्रों में रंगों को थोड़ा गहरा, धुंधला बना लगाता है, तारा, चंद्रमा या कुछ भी रात से संबंधित उल्लू वगैरह कोई भी पक्षी हुआ उसमें डाल सकता है, जिससे हमें रूप भेद का प्रमाण का पता चलता है। जहाँ तक अनुपात का संबंध है तो विभिन्न जाति एवं गुणों वाले मानव की लंबाई, चौड़ाई और विभिन्न अंगों का अनुपात भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जैसे एक हंस पुरुष अपनी ही उंगली के मान से 108 उंगलमान लंबाई वाला होता है, इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में देव, असुर, राक्षस, वामन, किन्नर, गंधर्व, सभी प्रकार के जो ह्यूमंस हैं या अलौकिक शक्तियां हैं, सबके रूप के साइज माप बताए गए हैं। इसके बाद हमारा जो महत्वपूर्ण तीसरा भाग है, अंग है, वह है भाव, जिसे हम इंग्लिश में एक्सप्रेशन कहते हैं। भाव का क्या अर्थ है? भाव का अर्थ है भावना, संवेग, आवेग आदि का अनुभव। और यह अनुभव हमारे इंद्रियों के द्वारा हमारे मन और मस्तिष्क को प्राप्त कर हमारी आत्मा को प्रभावित करता है। भाव हमारे मन में उठते हैं विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न भाव उठते हैं। भाव की उत्पत्ति मूलतः दो प्रकार से होती है, एक तो वह भाव
जो कलाकार अपने चित्र में डालता है और दूसरा वह भाव जो चित्र को देखकर कलाकार में उत्पन्न होता है, कलाकार को अनुभूति होती है। ये भाव नौ हैं। ये नौ भाव नौ प्रकार की रसानुभूति से उत्पन्न होते हैं, जिसमें हास्य का भाव हास है, श्रृंगार रस का भाव रति है, करुण रस का भाव शोक है, वीर रस का भाव उत्साह है, रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध, शांत रस का स्थायी भाव है शांति या निर्वेद, अद्भुत का विस्मय, भयानक का भय, विभीत्स का जुगुप्सा। तो शास्त्रकारों ने हमारे जितने भी शास्त्रकार हैं, हमारे ग्रंथ हैं, आप उन्हें भी अगर पढ़ते हैं तो उसमें सलाह दी गई है कि घरों में हमेशा श्रृंगार हास्य और शांत रसों से युक्त चित्र लगाने चाहिए। हम विभिन्न विषयों को लेकर चित्र बनाते हैं, विभिन्न स्थितियां परिस्थितियां जैसा हमारे मन पर प्रभाव डालती हैं, हम उसका चित्र या वो कलाकृति हम किसी भी माध्यम में सृजित कर देते हैं। लेकिन चित्र हम हर विषय को लेकर बनाते हैं, हर स्थिति परिस्थिति को लेकर बनाते हैं, लेकिन सारे चित्र घर में लगाने के योग्य नहीं होते। कुछ चित्र कला दीर्घाओं तक समट के रह जाते हैं, कुछ म्यूजियम तक संग्रहालयों तक की शोभा रहते हैं। तो हमें घर में कभी भी युद्ध शमशान मृत दुखी या अमांगलिक चित्र नहीं लगाने चाहिए। घरों में हमें श्रृंगार हास्य और शांत इन तीन रसों से युक्त ही चित्र लगाने चाहिए। ये हमारा लामण्य का बहुत भाव का बहुत सुंदर चित्र है, जिसमें लीला भाव चित्र है राधा माधव का। अब हमारा चौथा जो अंग है वह है लावण्य योजना, जहां हमारा तृतीय अंग जिसे हमने अभी पढ़ा भाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमारी आत्मा से अंतरात्मा से जुड़ा होता है, हमारे मन का भाव होता है। उसी प्रकार लावण्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों ही अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं। राय कृष्ण दास ने भी कहा है कि भाव के साथ साथ लावण्य की योजना भी होनी चाहिए। भाव का संबंध हमारे आंतरिक विचारों से है जैसे मैंने अभी कहा, पर लावण्य हमारा बाह्य सौंदर्य है। जिस प्रकार आटे में नमक मिला देने पर भोजन सुस्वादिष्ट बनता है, उसी प्रकार चित्र में लावण्य यानी कि थोड़ा सा नमकीन पर मिला देने से चित्र रसमय हो जाता है, रसात्मक हो जाता है, लयात्मक हो जाता है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने, जो हमारे बहुत बड़े हिस्टोरियन रहे हैं, उन्होंने लावण्य को ब्यूटी ऑफ टचेस कहा है कि जिससे सुंदरता द्विगुणित दुगुनी हो जाती है। लावण्य स्त्रियों के सौंदर्य का सर्वाधिक आकर्षक पक्ष है, उसी प्रकार लावण्य चित्र का भी सर्वाधिक आकर्षक पक्ष है। हमारा जो पांचवा अंग है भारतीय कला का वह है सादृश्य, यानी कि वस्तु हमें जैसी दिखाई देती है या जैसी मानस को प्रतीत होती है, चित्रकार का कार्य उस सादृश्य की रचना करना है। वास्तव में सादृश्य का अर्थ हम इसे मान लेते हैं जैसा मैंने अभी कहा, लेकिन वास्तव में सादृश्य का अर्थ है कि वस्तु को केवल देखकर नहीं वरन सोच विचार कर कल्पना कर उसे चित्र में स्थान देना चाहिए। वास्तव में सादृश्य का मूल प्रयास यही है कि चित्र आंतरिक भावों की भी अभिव्यक्ति करे। जैसे आपके सामने दो चित्र प्रस्तुत हैं, पहला है अजंता का दया याचना चित्र या महाराणा राजकुमारी का चित्र और दूसरा भिक्षा पात्र वाला चित्र। दोनों ही चित्र सादृश्य के बहुत सुंदर उदाहरण हैं। भारतीय कला में मानवीय अंगों का सादृश्य प्राकृतिक उपमानों में खोजा गया है, जैसे नेत्र कमलपत्र मृग या मछली के समान। हम कहते भी हैं हमारे आँखें कोई मछली के समान नहीं होती, मृग के समान नहीं, लेकिन हम सादृश्य की कल्पना करके बोलते हैं मृग नैनी मीनाकृति आँखें, कान गिद्ध के पंख के समान, नाक तोते की चोंच के समान, होठ कमल की पंखुड़ी के समान, ठोड़ी आम की गुठली के समान, भौंहें नीम की पत्ती के समान, पुरुष का कंठ
शंख के समान, स्त्री की कमर डमरू के समान, जंघा केले के तने के समान आदि आदि। तो इस तरह से हम प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं में उपमानों, हम सादृश्य के को खोजते हैं, उपमानों को खोजते हैं। और हमारा छठा और मुख्य महत्वपूर्ण जो अंग है भारतीय कला का, वह है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग यानी कि इसका अर्थ है वर्णिका भंग यानी कि रंग विधान का ज्ञान, वर्ण का ज्ञान। दूसरा अर्थ है, एक अर्थ है रंग और दूसरा अर्थ है तूलिका, यानी कि वर्ण का ज्ञान और दूसरा तूलिका, यानी कि भंग का अर्थ है भंगिमा। इस प्रकार हुआ तूलिका या वर्ण की भंगिमा का ज्ञान। चित्र के सभी अंगों पर विचार किया जाए तो वर्णिका भंग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी जो अंग हैं यथा रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना और सादृश्य, इन सभी का आधार जो है वो वर्ण है, या तो रंग है या तूलिका की भंगिमा है, वर्णिका भंग है। यदि कलाकार वर्ण या तूलिका के प्रयोग में निपुण नहीं होगा तो बाकी अंगों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। आपने कितना भी सुंदर रेखा चित्र बनाया है लेकिन उसे रंगों से बिगाड़ दिया है तो उसके रेखांकन का कोई मूल नहीं रह जाता। तो इसलिए कहा गया है कि यह बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसके बिना जो है अन्य अंगों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। जो कलाकार जितनी सहजता एवं प्रभाव के साथ अपनी तूलिका चलाता है उसका अर्थ, उसका चित्र उतना ही अर्थमय, लयमय और रसमय हो जाता है। तूलिका के प्रयोग का सुंदर उदाहरण जो है हमें अजंता के चित्रों में, पहाड़ी लघु चित्रों में देखने को मिलता है, कहीं कहीं मुगल शैली में भी देखने को मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्र षडंग भारतीय कला की सार्थक परिभाषा है और जिसे कामसूत्र में कि वात्सायन जी के कामसूत्र में यशोधर पंडित ने वर्णित किया था, उसका जो मूल्य है वो आज तक निरंतर बना हुआ है। यह एक भारतीय कला की, हमारा कहना चाहिए ग्रामर है, डेफिनेशंस को अगर हम इसको अपने अंदर आत्मसात कर लें तो यह हमारा थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी दोनों में ही बहुत एप्लीकेबल होता है। तो हमें अच्छे से समझने, मनन करने की आवश्यकता है। साथ ही अब हम अपना जल्दी ही मेरा नया वीडियो भारतीय कला दर्शन को लेकर ही आपके सामने आएगा। इसके अलावा आपको मेरे भारतीय कला दर्शन से संबंधित अगर लेक्चर सीरीज देखनी है तो मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर अर्चना रानी पर जाकर भी आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे कॉलेज की जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, ताकि हमारे जितने भी ज्ञानवर्धक सीरीज हैं पाठ्यक्रम से संबंधित या अन्य क्रियात्मक कार्यों से संबंधित, उनका आप सभी लाभ उठा सकें, आप तक को उनके नोटिफिकेशन जाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत आभार।